अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो जी, आज मैं धोने वाली हूँ कंबल, जो कि घर पे ही धोऊंगी और बहुत आसानी से मैं धो लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मशीन में पानी डाल लिया है और उसमें थोड़ा सा सर्फ भी डाला है, और साथ ही मैं कंबल डाल दूँगी, ऐसा ऐसा डालूँगी क्योंकि ये डबल बेड का कंबल है तो थोड़ा सा हैवी है, तो ऐसा ऐसा डालूँगी फिर मैं। तो सर्दियाँ वैसे आने वाली हैं, बस थोड़ा ही दूर है, 10-15 दिन की दूरी पे हैं सर्दियाँ, तो उससे पहले मैंने कहा चलें कंबल भी धो लेती हूँ, क्योंकि 8-1 महीने इसको डंप करके रखते हैं तो थोड़ी स्मेल सी आना शुरू हो जाती है, तो वो स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो फ्रेश हो जाते हैं धोने से। तो सबसे पहले मैं लेने से पहले हम लोग धोते हैं, तो एक एक करके धो लूँगी। आज वैसे धूप इतनी ज़्यादा नहीं निकली हुई, लेकिन फिर भी मैंने कंबल लगा लिया। मैंने कहा चलें ये सूख के ही निकलेगा, इतना ज़्यादा धूप का तो मसला है नहीं, तो इसीलिए मैंने इसको लगा के, टाइमर पे लगा के अभी तो इसको मैंने बंद कर दिया। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने इसमें थोड़ा सा डिटोल भी डालना है, क्योंकि जो जरासीम वगैरह थे वो मर जाएँ, थोड़ा सा डिटोल डाल दूँगी, और थोड़ा सा सॉफ्टनर है वो भी डाल दूँगी, उससे थोड़ी खुशबू अच्छी आएगी, जो डंपिंग की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, तो थोड़ी सी स्मेल अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियोस कैसी होती हैं और मेरी चाय कैसी है, आप भी पीजिए, क्योंकि मैंने कंबल लगा के रख दिया है, वो धुलेगा, तो बीच में मैंने चाय बना ली और चाय पीना शुरू हो गई। और आज काफ़ी ज़्यादा काम है, लेकिन बस एक काम पे मैं रुक गई हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी था, तो अभी मेरा कंबल जो है वो बिल्कुल धुल के सूख गया है, अभी मैं निकाल रही हूँ, सूखा हुआ निकाल रही हूँ, देखें बहुत अच्छा धुल गया है, तो अभी मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके निकालूँ, क्योंकि डबल बेड का कंबल है ना तो थोड़ा हैवी भी है, तो अभी मैं इसको धूप में डालूंगी, लेके जा रही हूँ अभी। धूप देखें, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप है इसकी, मैं अभी दिखाती हूँ धूप कैसी है, मौसम भी अच्छा ही है, बस नॉर्मल सा है, ये हल्की हल्की धूप सी निकली हुई है, इतना सूरज है ऐसा, बस ये मेरी वीडियो इतने तक ही थी। ओके, अल्लाह हाफिज़।